मैं पुनर्विचार याचिका दायर करूंगा या रिट पिटिशन दायर करूंगा, क्योंकि एक इशू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये बोला है कि हर क्रिमिनल कन्विक्शन के ऑर्डर के खिलाफ कम से कम एक अपील होनी चाहिए। ये मौलिक अधिकार है हर नागरिक का। ये ओरिजिनल ऑर्डर है कन्विक्शन का, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर है, और इसके खिलाफ कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिव्यू ही हो, जैसे कि जस्टिस कुरियन जोसेफ और कई लोगों ने बोला है कि इसके खिलाफ रिट पिटिशन भी हो सके। तो जो भी लीगल रेमेडीज हैं वो हम लोग सोच समझ के एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उस जाहिर है कि उसका फैसला 15 तारीख से पहले नहीं हो पाएगा। तो एक रुपए का वो तो हम मैं जमा कर दूंगा, लेकिन सब्जेक्ट टू अंडर प्रोटेस्ट सो टू से एंड सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ औजार समझा। और बहुत सारे लोग जो अभी हताश होकर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए, और जो इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपना आभार जो हम मेरी लीगल टीम की, जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और खासकर जो हमारे सीनियर वकील थे राजीव धवन और दुष्यंत दवे के प्रति। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्य की जय होगी और इस देश में लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। सत्यमेव जयते। सेंटर फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स की तरफ से अंजलि भारद्वाज जी ने, और स्वराज अभियान की तरफ से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। प्रशांत जी की बात आपने सुन ली और वही बात सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। कोर्ट के बारे में, केस के बारे में और जजमेंट के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। प्रशांत जी ने मोटी बात कह दी है कि हार जीत का सवाल नहीं। इस देश का हर नागरिक चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जीते। सुप्रीम कोर्ट की जीत में हम सबकी, और अगर कोर्ट कमजोर होता दिखता है, हारता दिखता है, तो ये देश कमजोर होता है, हर नागरिक हारता है, जो कोई नहीं चाहता। कोई भी लोकतंत्र इस बुनियादी आधार पर चलता है कि लोक और तंत्र में संवाद चलता रहे। जो तंत्र है वो लोक की बात सुनेगा, और लोक जो है वो तंत्र की मर्यादा में चलेगा। आज ये जो दोनों में संवाद की प्रक्रिया है, लोक और तंत्र में संवाद की प्रक्रिया, उसकी एक खिड़की और खुली है, और हमें उम्मीद है कि ये खिड़की दरवाजे में बदलेगी, और इस तरह का स्वस्थ संवाद जो कि कठिन लग रहा था इस देश में, वो होना शुरू होगा। जैसा प्रशांत जी ने कहा, ये मामला प्रशांत भूषण का नहीं था। प्रशांत जी स्वयं कहते हैं, इस देश में सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रशांत जी से ज्यादा मुश्किल हालात में रह के, ज्यादा कठिनाइयां सहते हुए, जिनको कोई मीडिया भी अटेंड नहीं कर पाता, वो लोग जो संघर्ष करते हैं। ये पिछले एक महीने से हमने वो सब आवाज सुनी। पिछले एक महीने से पूरे देश के तमाम लोग, चाहे वो लीगल फ्रेटर्निटी हो, एक्स जजेस हैं, वो लोग जो कि किसी स्टेटमेंट को कभी इश्यू नहीं करते, वो लोग खड़े हुए। इस देश के साधारण नागरिक, हमारे आपके जैसे नागरिक खड़े हुए, ये तो गलत हो रहा है, ये तो ठीक नहीं। इस देश के तमाम जन आंदोलन खड़े हुए, साधारण स्टूडेंट्स ने अपनी पिटीशन भेजी, लिख लिख के भेजी। ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। ये जो आवाज है, पिछले एक डेढ़ महीने से जो आवाज उठी है, ये आवाज इस देश में लोकतंत्र को बचाने की आवाज है। और मैं आपके सामने केवल दो छोटे से कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए बैठा हूं, ताकि इस आवाज को हम आगे ले जाएं, ताकि ये जन आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त तरीके से शुरू हुआ है वो और आगे बढ़ सके। पहला,
सीजेआर की तरफ से, स्वराज अभियान की तरफ से, मैं देश भर के जन आंदोलनों से, देश भर के नागरिकों से, तमाम संगठनों से अपील करता हूं कि हम सब एक एक रुपया इकट्ठा करें, प्रशांत भूषण के लिए नहीं, उन गुमनाम कार्यकर्ताओं के लिए जो इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का संघर्ष करते हैं, जो पता नहीं कितनी पीड़ा सहते हैं, दो दो साल से जेल में है, ट्रायल शुरू नहीं होता जिनका, उनके लिए एक नेशनल फंड क्रिएट किया जाए, रुपी वन एवरी वन, एक रुपया हर कोई कंट्रीब्यूट करे, इस देश के उन तमाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिपाहियों के। गांधी जी ने बड़ा सुंदर नाम दिया था, हम भूल जाते हैं कि गांधी जी ने सोक्रेटिस के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी थी, वो सुकरात जिसे जहर का प्याला पीना पड़ा, सुकरात एक रुपया दे के बरी नहीं हो पाया था, उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था, और उसे उस सुकरात को गांधी जी ने सत्य वीर कहा कि सच की लड़ाई लड़ने वाले ये लोग, तो उन सत्य वीरों के लिए हम देश में एक नेशनल फंड क्रिएट करना चाहते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस के जरिए, रुपी वन एवरी वन, पहला ये मैं घोषणा करना चाहता हूं तमाम आंदोलनों की तरफ से, और मुझे विश्वास है हमारी तो इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन जब लोग हाथों हाथ इस बात को ले लेंगे, जब से घोषणा हुई है पता नहीं कितने हजारों ट्वीट इसके बारे में आ चुके हैं, हम अपनी बात कह पाए इससे पहले लोग आगे बढ़ गए, तो वो इस बात को हाथों हाथ लेंगे तो हमारी क्षमता से कहीं आगे मामला जाएगा, और ये एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल देगा, एक एक सकारात्मक आंदोलन की शक्ल देगा जो कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ मजबूत करेगा। और दूसरा कार्यक्रम में जो घोषित करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, घोषणा करने वाले हम कौन है, आह्वान करना चाहता हूं, परसों 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक महीने के लिए इस देश में सत्यमेव जयते का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, ए नेशनल कैंपेन फॉर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जो पिछले एक महीने में आवाजें उठी वो आवाज आज के जजमेंट के बाद रुक जाए इसका कोई कारण नहीं, इस आवाज को आगे बढ़ाना, तो महीने भर मैं देश के तमाम संगठनों से, आंदोलनों से, व्यक्तियों से, समूहों से, क्लब से, लीगल फ्रेटर्निटी से, बार एसोसिएशन, तमाम से मैं अपील करता हूं, विद्यार्थियों के संगठन से, मजदूरों के संगठन से, किसानों के संगठन से, सबसे अपील करता हूं, अपने अपने तरीके से, अपने बैनर के तहत आप इस बड़े सवाल को उठा के इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीक ट्रूथ, इस सवाल पर एक महीने का देश भर में एक जश्न मनाने की जरूरत है, ताकि ये आवाज डिगे ना, कल को कोई दूसरा प्रशांत भूषण बोलते समय डरे। ये दो निवेदन मैं आप सबके सामने करना चाहता हूं, और आप सबके माध्यम से देश के तमाम लोगों तक ये अपील पहुंचाना चाहता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।